नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गांठ गोभी की सब्जी बनाएंगे। ये देखिए, इसे कोलराबी भी कहा जाता है और नौलखोल भी कहा जाता है इसको। देखिए, हमने आधा किलो ले लिया है गांठ गोभी और कोलराबी। इसके साथ हम आलू लेंगे, 3 आलू हैं और 3 टमाटर हैं, 2 प्याज है, 6 कलियां लहसुन की है, 1 हरी मिर्च है। मिर्चे आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा ले सकते हैं। और ये अदरक का टुकड़ा है आधा इंची और थोड़ी सी हरी धनिया है। ये देखिए, यहाँ पे हमने आलू काट लिया है, प्याज टमाटर लहसुन अदरक हरी मिर्च काट लिया है और ये धनिया भी काट ली है। देखिए, अभी हमने ये गांठ गोभी ले ली है, इसकी पत्तियां ऊपर की निकाल देंगे और इसको अभी छील लेंगे। इस तरीके से छील लेंगे सभी। ये छील लिया है सभी हमने और इसको धुल लिया है। अभी इसको काट लेंगे। इसको आप अपने हिसाब से, अपने साइज में, जिस हिसाब से आप साइज चाहें, छोटा बड़ा उसमें काट सकते हैं। यहाँ पे छोटे साइज में इसको काट रहे हैं। तरीके से इसको काट लेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे काट लिया है और इसको आलू के साथ रख दिया है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई को यहाँ हमने फ्लेम पे चढ़ा दिया है। अब इसमें तेल डालेंगे, 1 करछी बराबर तेल डाल देंगे। तेल गर्म होने पर इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। देखिए, जीरा सुनहरा हो गया है। अब इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक हरी मिर्च। और इसमें डाल देंगे ये प्याज। अभी प्याज को हल्का सुनहरा होने देते हैं। देखिए, जब तक हमारी प्याज सुनहरी हो रही है, यहाँ पे हम पाउडर मसाले निकाल लिए हैं। देखिए क्या क्या है इसमें। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच ये आमचूर पाउडर और 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। आमचूर पाउडर और गरम मसाला पाउडर हम लास्ट में डालेंगे सब्जी पकने के बाद, और इसको पहले डालेंगे हल्दी मिर्ची धनिया को। देखिए, प्याज हमारी हल्की सुनहरी हो गई है। फ्लेम को एकदम कम कर देंगे और इसमें डाल देंगे हल्दी मिर्ची धनिया और इसको कुछ सेकेंड्स के लिए भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे टमाटर और डाल देंगे थोड़ा सा नमक, जिससे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। फ्लेम को फिर से मीडियम कर देंगे। इसको ढक करके टमाटर को नरम होने तक पका लेंगे।
देखिए 2-3 मिनट हो गए हैं, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें डाल देंगे गांठ गोभी और आलू। और इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, नमक पहले भी है उसका ध्यान रखेंगे। इसको मिक्स कर देंगे। इसको 3-4 मिनट ढक के पकाते हैं, मसालों का फ्लेवर आ जाए इसमें अच्छे से मीडियम फ्लेम पे। देखिए 3-4 मिनट हो गए हैं, सब्जी हल्की भून चुकी है। अब इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा पानी, जहां पे हम 150 ml पानी डाल रहे हैं। और इसको फिर से ढक के 8 से 10 मिनट या सब्जी पकने तक इसको पका लेंगे। देखिए 8 से 10 मिनट हो गए हैं, इसको देख लेते हैं। इसको हमने बीच बीच में चलाया भी था और सब्जी बिल्कुल से तैयार है, रेडी है, बिल्कुल पक चुकी है। गांठ गोभी और आलू भी पक चुके हैं अच्छे से। अभी इसमें हम ये गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और ये आमचूर पाउडर, और इसमें डाल देंगे ये कटी हुई धनिया, और इसको एक अच्छा मिक्स देंगे। बस फ्लेम बंद कर देंगे, सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको निकाल लेंगे। सब्जी बिल्कुल तैयार है, इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।